नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आया हूँ आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर, कंप्यूटर डेस्कटॉप की सेटिंग पार्ट टू। जो कि पिछले वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कंप्यूटर डेस्कटॉप की सेटिंग, जो कि विंडोज़ 7 था, लगभग विंडोज़ 7 का जो सेटिंग मैंने बताया था उसका जो कुछ ऑप्शन रहा होगा, कुछ विकल्प रहा होगा और कुछ सेटिंग रही होगी जो आपके विंडोज 10 में काम की होगी। लेकिन आज की जो वीडियो में आपको जो मैं बताऊँगा कंप्यूटर विंडोज 10 डेस्कटॉप की जो सेटिंग कैसे करते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप की जो सेटिंग है उसको कैसे करते हैं, उसके आइकन को चेंज कैसे करते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से इसकी सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों, जैसे कि ये मेरे पास एक कंप्यूटर डेस्कटॉप यानी कि विंडोज 10 है। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे जो भी डेस्कटॉप ये जो है इसके यहाँ पे जो आइकन वगैरह रखे गए हैं, जो भी फोल्डर्स वगैरह हैं, आइकन, इमेज, जो भी है, इनकी सेटिंग्स हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये जो विंडो खुलती है, यानी कि ये जो आपका ये एक विंडो खुल जाती है, इस विंडो के बारे में आपको क्या नाम है कि हम विंडोज 7 में भी आपको बताए थे। विंडोज 7 में भी देखिए बिल्कुल इसका सेम काम होता है। ठीक, और विंडोज 10 में भी इसका सेम काम ही होगा। जो कि इसमें पहला व्यू दिया है, तो व्यू का मतलब जो कि बहुत अच्छा आप लोग उस पर प्यार दुलार अपना दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसको लोग देखे भी हैं, लगभग 1 लाख से अधिक लोग उसको देख चुके हैं। ठीक है, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो व्यू दिया है, व्यू पे देखिए यहाँ पे दिया लार्ज आइकॉन, लार्ज आइकॉन पे हम क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो भी डेस्कटॉप पे जो आइकॉन होगा देखिए कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये लार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर एक बार राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे व्यू पे चलते हैं। यहाँ पे मीडियम, मीडियम का मतलब ना तो छोटा ना तो बड़ा, ठीक है, यानी कि मीडियम। ठीक है, क्लिक करेंगे तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो हमारा आइकॉन था, यानी कि जो हमने विंडो आपको अभी दिखाया था, तो उस टाइम जो आइकॉन कुछ ऐसे ही थे, तो वो आपके देखिए इस प्रकार से थे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं राइट क्लिक करके। फिर यहाँ पे लिखा है स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, छोटा कर देंगे देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके और भी शॉर्टकट की हैं इसको छोटा करने का और बड़ा करने का। आप कंट्रोल बटन दबा करके स्क्रॉल बटन को अपने तरफ खींचेंगे तो आइकन देखिए छोटा हो रहे हैं, और कंट्रोल बटन दबा करके माउस का जो स्क्रॉल बटन होती है उसको बाहर की तरफ ऐसे करेंगे तो देखिए ये आइकन क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है ना, इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि कंट्रोल बटन दबा करके आप स्क्रॉल बटन को अपने तरफ खींचेंगे तो आइकन क्या होता है कि छोटे होते हैं डेस्कटॉप के, चाहे वो 7 के हो चाहे वो 10 के हो। और कंट्रोल बटन दबा के आइकन का माउस का जो स्क्रॉल बटन है, गोल वाली बटन, उसको बाहर की तरफ स्क्रॉल करेंगे वो आइकन क्या होगा कि मतलब कि बड़ा होता है, जिसको जूम आउट और जूम इन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि राइट क्लिक करने के बाद व्यू पे जाते हैं और ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज आइकन क्या होते हैं। ठीक है, ऑटो अरेंज का मतलब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ट्रिक नहीं है, ऑटो अरेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर क्लिक करके अभी हम देखिए ऑटो अरेंज नहीं किए हुए हैं, तो इसको उठा करके ऐसे क्या कर रहे हैं, माउस से ड्रैग करके जहाँ चाहे वहाँ क्या करते हैं, ऐसे रख ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो अरेंज नहीं है, ऑटो अरेंज नहीं है। ऑटो अरेंज जब भी क्लिक कर देंगे ऐसे, जब भी हम देखिए व्यू पे क्लिक करके ऑटो अरेंज पे क्लिक कर दिए, अब हम कोई भी आइकॉन यहाँ से ड्रैग करेंगे, कोई भी फोल्डर यहाँ से उठा के ले कहीं पे रखना चाहते हैं जैसे यहाँ पे, देखिए नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटो अरेंज का मतलब कि जब भी हम कोई भी फाइल कंप्यूटर डेस्कटॉप पे रखेंगे तो वो एक अलाइन में क्या होगा कि ऐसे सीरियल वाइज क्या होगा कि सेट होगा। ठीक है, ऐसे सीरियल वाइज क्या होगा कि वो अपना आता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद फिर हम राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे चलते हैं, व्यू पे यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर व्यू पे चलते हैं, व्यू पे चलने के बाद यहाँ पे अलाइन आइकॉन टू ग्रिड लाइन, मतलब ये कंप्यूटर का जो ये किनारा, ये जो डेस्कटॉप इसका जो किनारा किनारा एरिया देख रही है, जो किनारा किनारा जिधर पे मैं माउस अपना स्क्रॉल करते हुए दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास देवनागरी का फोल्डर है, यानी कि कृति देव देवनागरी, अगर इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ रहा हूँ तो देखे जा रहा है, इसको मैं ऊपर करूँगा देखे चला जा नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा है, मतलब कि उसके अलाइन में नहीं जा रहा है। ठीक, तो राइट क्लिक करूँगा और व्यू में जाऊँगा, और व्यू में जाने के बाद अलाइन मतलब अलाइन आइकॉन टू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दूंगा, तो अब देखिए वो अंदर साथ क्या नाम है कि इस तरीके से सेट होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से है ना, देखिए। ठीक, तो ये चीज़ें आपका होता है, इस चीज़ें मैं आपको 7 में भी बताया हूँ, बहुत अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आइकॉन नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं फोल्डर्स, जो लोग चतुर होते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर चलाने में थोड़ा सा एक्सपर्ट समझते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप के जितने भी आइकॉन होते हैं उसको हाइड कर देते हैं, मतलब गायब कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड करने के और भी तरीके हैं, फिलहाल अभी हम इस राइट क्लिक से कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे,
और व्यू पे चलेंगे और यहाँ पे लिखा है क्या, शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप पे क्लिक है यानी कि आइकन आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, शो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये सारे आइकन आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, बिल्कुल ही आपका जो डेस्कटॉप हो जाएगा खाली हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए फिर राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे चलते हैं और यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब ये बात एक बार फिर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, जो कि ये तो तीसरा ऑप्शन है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय पे यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे दिया नेम बाय, नेम बाय का मतलब आइकॉन के अकॉर्डिंग जिसका पहला नेम होगा वो पहले होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। आइकॉन के अकॉर्डिंग पहला यूजर फाइल ही होता है, यूजर फाइल के बाद माई कंप्यूटर होता है, फिर रिसाइकल बिन होता है, फिर आपका होम नेटवर्क होता है, फिर आपका क्या नाम है कंट्रोल पैनल होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर डेस्कटॉप पे लगभग 5 आइकन होते हैं और 5 आइकन के बाद तो हमारे क्या हो जाते हैं, फोल्डर होते हैं, कुछ इसमें सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं, कुछ मूवीज़ हम लोग रख देते हैं, कुछ इमेज रख देते हैं, मतलब जो भी काम वगैरह करते हैं उसको सेव करके डेस्कटॉप पे रख देते हैं। तो इसलिए डेस्कटॉप पे रखे गए छोटे छोटे आइकन को, मतलब छोटे छोटे पॉइंटर को आइकन या इमेज कहते हैं। ठीक है, चलिए राइट क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे सॉर्ट बाय पे चलते हैं, साइज बाय, साइज बाय पे क्लिक करेंगे तो जिसकी साइज अधिक होगी वो पहले रहेगा। साइज पे क्लिक करके देख लेते हैं, जो लिब्रे ऑफिस यहाँ पे मैं रखा हूँ इसकी साइज अधिक है, यानी कि लगभग 302 MB का है। ठीक है, तो इसलिए ये पहले है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे, आइटम बाय, आइटम बाय का मतलब जो आइटम मतलब कंप्यूटर डेस्कटॉप में पहले रहता है वो रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए वो आपका दिस पीसी पहले रहना चाहिए इसलिए आपका दिस पीसी यहाँ पे दे रहा है। ठीक, राइट क्लिक करेंगे और फिर सॉर्ट बाय पे जाएंगे, डेट मॉडिफाई, कहने का मतलब कि आज का जो आज के डेट में जो भी काम किए गए होंगे डेस्कटॉप पे और आप उसको डेट मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे तो वो पहले आपके रहेंगे। तो आज के डेट में हमने अभी माइक्रोसॉफ्ट एचपी क्या क्या नाम काम किया है तो ये आपका देखिए पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, राइट क्लिक करके फिर से हम जो आपका वर्तमान समय में कंप्यूटर डेस्कटॉप का जो आइकन होता है वो आप सॉर्ट बाय में जा करके नेम बाय में या फिर आइटम बाय में ही रहता है। नेम बाय पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका ये जैसे आपका मतलब शुरू से रहता है वैसे आपका ये रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको तो समझ में आ गई होगी ये तीनों। अब यहाँ पर देखिए पेस्ट है और पेस्ट शॉर्टकट है। पेस्ट का मतलब जब तक कि कोई भी चीज़ हम कॉपी नहीं करेंगे तब तक पेस्ट वाला ऑप्शन शो नहीं करता है, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होती है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। ये चीज़ें कॉमन होती है, लगभग सभी कंप्यूटर में एक जैसा होता है, कोई अंतर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए दिया है ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज, इसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ग्राफिक्स यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया है, इसमें भी कुछ विकल्प ऐसे दिए गए देखिए, है ना, इन सबको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बिल्कुल विस्तार से बताएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा। कस्टम रेजोल्यूशन में दिया है तो इसमें भी देखिए कुछ और ऑप्शन आएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है कि इंटेल HD ग्राफिक्स कंट्रोल पैनल ऐसे कुछ इंस्टॉल हो रहे हैं अभी, देखिए यहाँ पे यस या नो, तो हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे आगे, अभी नहीं। लेकिन नीचे अभी हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद ठीक है यहाँ पे देखिए फोल्डर, जैसे कि आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर बनाना चाहते हैं ये डेस्कटॉप पे, तो आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाइए और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर बनाने का तो और भी तरीका होता है, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबा दीजिए तो शॉर्टकट के मदद से मतलब नया फोल्डर कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे बन जाता है। जैसे मैं कंट्रोल और शिफ्ट दबा करके कीबोर्ड से एन बटन दबाता हूँ तो देखिए आपको डेस्कटॉप पे दिख गया होगा न्यू फोल्डर 2, है ना, इस तरीके से ये आपका बन गया होगा। ठीक है, ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे मतलब कि न्यू फोल्डर बनाया जाता है। ठीक, न्यू पे क्लिक करके बाकी कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी होते हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर यानी कि विंडो 10 या 7 में इंस्टॉल किए होते हैं, जैसे कि पावर MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रा और टैली और भी जो भी एप्लीकेशन होते हैं जिसको आप इंस्टॉल किए रहते हैं, तो वो कुछ एप्लीकेशन आपको इसमें मिल जाते हैं। इसमें ये जो आपका बिटमैप है ये पेंट का है और ये रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये नोट क्या नाम है कि नोट पैड का है, ये भी नोट पैड का है। ठीक है, कंपेयर जिप फोल्डर है ना, एक जिप फोल्डर आता है उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कंप्रेसेड दिया है उसमें। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या नाम है कि इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने इसको फॉर्मेट किया है, इस विंडो को अभी भी मैंने मतलब ये जो लैपटॉप है इसको मैंने अभी क्या किया फॉर्मेट किया है, तो सोचा इसकी सेटिंग के बारे में आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा इस डेस्कटॉप पर नहीं है, जितने भी हैं लेकिन आपको उतने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग दिया हुआ है, डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करेंगे ऐसे। ठीक, डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से विंडो खुलेगी, इस प्रकार से विंडो
खुलेगी तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले लिखा है, ब्राइटनेस एंड कलर लिखा है, ब्राइटनेस एंड कलर पे देखिए लिखा है चेंज ब्राइटनेस फॉर द, है ना। तो आप इसको पकड़ करके इस पॉइंटर को जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। और पीछे की तरफ लेफ्ट बटन से ड्रैग करेंगे, देखिए ब्राइटनेस आपका घट रहा है। यहाँ पे नाइट है ना लिखा है, नाइट लाइट, नाइट लाइट का मतलब कि जो रात की जो लाइट जो भी है ना, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। ये आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं इसमें। यहाँ पे लिखा है विंडोज HD कलर, विंडोज HD कलर, ठीक है, विंडोज का जो कलर है, ठीक है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो कंप्यूटर है यानी कि जो आपके पास डेस्कटॉप है उसमें इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। फिलहाल मेरे पे यहाँ पे देखिए इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये मतलब कलर चेंज करने में प्रॉब्लम होगी। मतलब यहाँ पे इसको जब हम लर्न मोर अबाउट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपका एक इंटरनेट का पेज खुलेगा, उसमें तो अबाउट का मतलब कि उसके बारे में पढ़ने के लिए देगा, लेकिन वहीं पर आपको कलर वगैरह के बारे में भी दे देगा, ठीक। ये चीज़ें तो यहाँ पे कट कर देंगे इसको। कट करने के बाद हम यहाँ से इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देते हैं नीचे चल के, यहाँ पे देखिए लिया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्केल एंड लेआउट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखा है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट ऐप एंड अदर आइटम, मतलब जो भी आपके पास फॉन्ट की साइज होगी, ऐप होंगे या जो भी आइटम्स होंगे, उसकी साइज आप 100% के अलावा अगर 125 करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखेंगे अभी आप इस तरीके से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, समय वांट रिस्पॉन्ड, है ना, इस तरीके से लिख रहा है ना। तो हमको 100 पे ही करना है, 100 पे तो बहुत नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लिक करके हम 100 पे कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा पड़ता है, 100 ही सबसे बेस्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है डिस्प्ले रेसोल्यूशन। डिस्प्ले रेसोल्यूशन का मतलब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि 1366x768 दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ढेर सारा डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप मान लें कि 1280 और 720 पे कर लेते हैं ऐसे, तो देखिए इस तरीके से मतलब किप चेंज कर लीजिए ऐसे, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दे रहा है, काफ़ी अच्छे ढंग से नहीं दे रहा है। विंडो राइट क्लिक करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से ढंग से नहीं देता है, ठीक है। राइट क्लिक, फिर इस पर क्लिक करेंगे हम 1366 और 768 पे क्लिक कर देंगे, ये काफ़ी बेस्ट पड़ता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। आप इसमें आपके जो भी जो आइकन वगैरह हैं और जो राइट क्लिक करने के प्रोसेस आते हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से दिख जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखिए मल्टीपल डिस्प्ले। मल्टीपल डिस्प्ले का मतलब अगर आप इस डिस्प्ले के अलावा कोई दूसरा डिस्प्ले इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यह होता ना कि एक डिस्प्ले के द्वारा मतलब कि अपने दूसरे डिस्प्ले को क्या करना है, कनेक्ट कराना है, ठीक है, तो उसे कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सर्चिंग फॉर वायरलेस, वायरलेस का मतलब जो होता है जिसमें वायर नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है इसलिए हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग दिया है और ग्राफिक सेटिंग दिया है, एडवांस पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या देता है इसमें। तो देखिए अभी भी इसके बारे में आपको बताएं, चूज डिस्प्ले कलर के बारे में, ठीक है, इसको बैक कर लेते हैं। इंटरनेट रहेगा तभी काम करेगा, उसके पहले नहीं काम करेगा। बैक करने के बाद पूरा बैक कर देते हैं और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। अब चलिए पर्सनलाइज के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक सेटिंग के रूप में एक विंडो खुलेगा, ठीक। और इस विंडो में आपको देखिए यहाँ पे दे देगा पहले बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए ये तो बैकग्राउंड ही हमारा है, ठीक, उसी से रिलेटेड मिलेगी। यहाँ पे देखिए ब्राउजर आपको एक और मिल रहा है, आप अपने विंडोज़ का जो ये पिक्चर ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ से ये और पिक्चर ले सकते हैं। और यहाँ पे ब्राउजर दिया तो ब्राउजर का मतलब और भी अगर कहीं आप रखे हुए हैं, कहीं पे भी रखे हुए हैं तो आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूज पिक्चर पे क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप चाहे डेस्कटॉप पे रखे होंगे, चाहे डाउनलोड में, चाहे डॉक्यूमेंट में, चाहे आप अपने माई कंप्यूटर में कहीं पे भी रखे होंगे आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि चूज ए फिट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा है, स्क्रैच है ना, टाइल और सेंटर, कैसा आप उसको करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फील ही रहने देते हैं, फील से सही रहता है, ठीक है। यहाँ पे कलर वगैरह देखिए यहाँ पे भी दिया, जो कि पीछे हमने अभी भी बताया है डेस्कटॉप सेटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है लाइट, है ना, लाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लाइटली कलर, यहाँ पे देखिए ये टास्क बार, देखिए ये क्या है, टास्क बार है, ये लाइट हो गया। और यहाँ पे डार्क करेंगे, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे डार्क इधर करेंगे तो इस पर भी डार्क करेंगे, देखिए ये भी कुछ हिसाब से क्या होगा कि देखिए डार्क हो रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है डार्क के हिसाब से, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर लाइट कर दें, यहाँ पे लिखा चूज योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड, ऐप मोड का जो डार्क हमने कर दिया, जैसे आपके फ़ोन में ऐप मोड का जो डार्क कलर होता है वो चीज़ें हैं,
ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफेरी इफेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके ऑफ कर देते हैं। देखिए ट्रांसफेरिटी का मतलब ये चीज़ है, जो किनारे किनारे पे हमारे हेडिंग वगैरह थे इसको बता रहा था। इसको हम यहाँ से यह वो ऑन करेंगे तो देखेंगे अभी आप क्या नाम है कि कुछ इस तरीके से देखिए ट्रांसपेरेंटी, यानी कि जो भी विंडो ओपन करते हैं साइड साइड में सेटिंग वगैरह कुछ इस तरीके से हमको मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए चूज कलर के लिए दिया, तो विंडो का कलर हमने ये चुना है, आपकी मर्जी तो आप ग्रीन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन आपका होगा, ठीक है। और अगर आप रेड पे क्लिक करेंगे तो रेड होगा, मतलब जो भी आपको लेना कलर करना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम इसी कलर को रहने देते हैं, यही कलर बेस्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है कि यहाँ पे दिया देखिए ऐड कलर, क्या दिया हुआ ऐड कलर। तो आपके पास अगर कोई पहले से भी आप बनाए हुए कोई कलर है तो आप उसको लेकर के ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिखा है, सो एसेंट कलर ऑन द फॉलोइंग सरफेस, यानी कि टास्क बार एंड एक्शन सेंटर, टाइटल बार एंड विंडो बॉर्डर। तो इसका भी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इन सब पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ऐसे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से कोई भी कलर चेंज करेंगे तो आपका कलर उसके साथ साथ इन सब का भी कलर क्या होगा कि चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद फिर हम चलते हैं पर्सनलाइज पे, ठीक है। पर्सनलाइज पे चलने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा तो ये चीज़ें समझ में आ गया, ठीक। यानी कि ये चीज़ें हम तो समझ लिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि देखना ये है कि जो आइकन वगैरह हैं उनको कैसे सेट करना है, उनको कैसे बनाना। तो यहाँ पे हाई कॉन्टेक्स्ट सेटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। इसमें देखते हैं क्या देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब वही चीज़ें आपको दिया हुआ है, टेक्स्ट वगैरह कैसे रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो हमको अपने देखिए माउस पॉइंटर को चेंज करना है, तो माउस पॉइंटर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद माउस का पॉइंटर जो भी साइज वगैरह देखिए कैसे आप रखना चाहते हैं, किस प्रकार से रखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। ये बढ़ा सकते हैं आपकी मर्जी है, तो देखिए है ना, हम देखिए बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ये आपका देखिए बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। देखिए है ना, ये देखिए पॉइंटर कितना बड़ा हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से बड़ा छोटा कर देंगे, देखिए ये छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तमाम तरह के सेटिंग है, ये चीज़ें आपको 7 में बता दी हैं। सब कुछ कहने का मतलब है कि 7 के अंदर सेटिंग जो होती है लगभग इसका 60% या 70% मिल ही जाता है। इसमें 30% या 20% ऐसे होते हैं कि जो आपको अलग से देखना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि हम अपने आइकन की सेटिंग कैसे करेंगे। तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट करने के बाद एक बार सिस्टम को क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं विंडो बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे जब तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगा। विंडो पे यहाँ पे देखिए एक सेटिंग देगी, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जब सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या होगी कि एक सेटिंग ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। इस विंडो में आपको जो पर्सनलाइजेशन दिया है इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिर वही विंडो मिलेगी जैसे कि अभी अभी मैंने पीछे आपको बताया है, वही वाली विंडो मिलेगी। इसमें आपको हाई कॉन्टेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर लेना है, और जब हाई कॉन्टेस्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिलेटेड सेटिंग यानी कि थीम सेटिंग के बारे में देगा। थीम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और जब थीम सेटिंग देगा तो यहाँ पे देखिए दिया है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, है ना। डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग यहाँ पे कलर दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया, साउंड दे दिया, माउस कर्सर, ये सब के बारे में अभी पीछे हम आपको बता के आ रहे हैं। बस यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन के बारे में नहीं बताए थे। यहाँ पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप आइकॉन पे, और जब डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक कर लेंगे तो इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक। और इसको यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। हमारे पास देखिए कंप्यूटर डेस्कटॉप के मतलब कंप्यूटर डेस्कटॉप पे 1, 2, 3 आइकॉन यहाँ पे है, तो 3 आइकॉन यहाँ पे ट्रिक हुए हैं इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको क्लिक करके यहाँ से अनट्रिक करके ठीक यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो वहाँ से देखिए हट जाएंगे, डेस्कटॉप से देखिए ये हट गए। अब वापस हम फिर यहाँ से इन पर ट्रिक करेंगे ऐसे यहाँ से, ठीक। 5 आइकॉन हमने बताया था आपको, 5 देखिए यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, देखिए 5 आपके यहाँ पे 4 हैं, ठीक। और एक देखिए यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से ओके कर लेंगे, सारे हमारे आइकॉन आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का आइकॉन चेंज कैसे करेंगे, रिसाइकल बिन का आइकॉन कैसे चेंज करेंगे। तो जिसका आइकॉन इसमें चेंज करना है, जिसका आइकॉन इसमें चेंज करना है आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद चेंज आइकॉन पे क्लिक करिए यहाँ से, तो आपके सामने दूसरी विंडो मिलेगी। अब इस विंडो से देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आइकॉन आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, जैसा भी आइकॉन लेना चाहते हैं, जिस भी प्रकार का लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये सब के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताए थे, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आइकॉन लेकर के हम ओके कर दे रहे हैं और अप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का आइकॉन यहाँ पे देखिए कैसे चेंज हो चुका है, ठीक है।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ओके कर देंगे। तो कंप्यूटर डेस्कटॉप का आइकॉन कैसे चेंज करते हैं, इसको बढ़ाते घटाते कैसे, डिस्प्ले कलर कैसे करते हैं, ब्राइटनेस कैसे बढ़ाते हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें हमने आपको यहाँ पे क्या किया, क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किसी फोल्डर का आइकॉन कैसे चेंज करेंगे। तो फोल्डर का आइकॉन चेंज करने के लिए उस फोल्डर पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। और जब प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा, कस्टमाइज़ पर जाएंगे और यहाँ पे देखिए चेंज आइकॉन का ऑप्शन मिलेगा, चेंज आइकॉन पे जाएंगे। ठीक, और चेंज आइकॉन पे जाने के बाद जो भी आइकॉन लेना है यहाँ से क्लिक करके ओके कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आइकॉन उसका चेंज हो गया है और ओके कर देंगे। ठीक है, और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से हम सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और सिक्योरिटी का भी इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सिक्योरिटी वगैरह जैसे पासवर्ड वगैरह लगाया जाता है तो आप यहाँ पे एडिट में जा करके आप पासवर्ड यानी कि ऐड कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से आपका फुल जो भी जैसा भी है। ठीक, ये चीज़ें पासवर्ड लगाने का तरीका आपको आगे बताएंगे, अभी तो यहाँ पर वैसे ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कंप्यूटर डेस्कटॉप की सेटिंग कैसे करते हैं जो विंडो 10 में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।